अधिकतर धर्मों ने संभोग का विरोध कर इसका तिरस्कार ही किया है, जिसके चलते इसे अनैतिक और धर्म विरुद्ध कृत्य माना जाता है। धर्म, राज्य और समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच के संपर्क को हर तरह से नियंत्रित और सीमित करने के खूब प्रयास किए। इसके पीछे कई कारण थे। खजुराहो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम कला के आसनों में दर्शाए गए स्त्री पुरुषों के चेहरे पर एक अलौकिक और दैवीय आनंद की आभा झलकती है। इसमें जरा भी अश्लीलता या भोंडेपन का आभास नहीं होता। ये मंदिर और इनका मूर्ति शिल्प भारतीय स्थापत्य और कला की अमूल्य धरोहर है। मगर सवाल यह उठता है कि खजुराहो के मंदिर में भोग और मुक्ति का ऐसा मेल क्यों हुआ है और किस कारण हुआ? हमारे पूर्वजों के आगे ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो गई जिसके चलते इन मंदिरों के बाहर इन अलौकिक और कामुक मूर्तियों का निर्माण करना पड़ा? दोस्तों, इस संबंध में कई कथाएं मिलती हैं। सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार प्राचीन समय में हेमावती नाम की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। वह वन में स्थिर सरोवर में स्नान कर रही थी। स्नान करते हुए उसे चंद्रमा ने देख लिया और उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। चंद्रमा ने उसे वशीभूत कर उससे संबंध बना लिए। इससे हेमावती ने एक बालक को जन्म दिया। लेकिन बालक और हेमावती को समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया। उसे बालक का पालन पोषण वन में ही रहकर करना पड़ा। बालक का नाम चंद्रवर्मन रखा गया। बड़ा होकर चंद्रवर्मन ने अपना राज्य स्थापित किया। हेमावती ने चंद्रवर्मन को ऐसे मंदिर बनाने के लिए प्रेरित किया जिससे मनुष्य के अंदर दबी हुई कामनाओं का खोखलापन दिखाई दे। जब वह मंदिर में प्रवेश करे तो इन बुराइयों को बाहर ही छोड़ सके। एक मान्यता यह भी है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर आम जनमानस में काम कला के प्रति रुचि खत्म हो रही थी, इसलिए उन्हें इस ओर आकर्षित करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराया गया। एक और मान्यता के अनुसार चंदेल राजाओं के काल में इस क्षेत्र में तांत्रिक समुदाय की वाम मार्गी शाखा का वर्चस्व था, जो योग तथा भोग दोनों को मोक्ष का साधन मानते थे। ये मूर्तियां उनके क्रियाकलापों की ही देन है। वात्स्यायन के काम सूत्र का आधार भी प्राचीन काम शास्त्र और तंत्र सूत्र है। शास्त्रों के अनुसार संभोग भी मोक्ष प्राप्त करने का एक साधन हो सकता है, लेकिन यह बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो वास्तव में मोक्ष की कामना रखते हैं। खजुराहों के संबंध में एक जनश्रुति यह भी है कि उस समय बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, इसलिए उन्हें सांसारिक बातों का ज्ञान कराने के लिए इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो दोस्तों, आप आज की कथा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।